साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए और पाइए अपने व अपने आसपास से जुड़ी खबरें वैभव क्रांति पर। पलवल के गांव बघोला में स्थित कच्ची चौपाल में केंद्रीय राज्य मंत्री और भाजपा प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर को उस समय ग्रामीणों के भारी रोष का सामना करना पड़ा जब पटला के विधायक टेकचंद शर्मा ने सभा में कम लोगों के आने पर सरपंच को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। विधायक के सरपंच को कम लोग जुटाने पर धिक्कार शब्द का इस्तेमाल करने पर ग्रामीण भड़क गए और विधायक और केंद्रीय राज्य मंत्री को खूब खरी खोटी सुनाई। बाकी बड़े दुर्भाग्य की बात है, मैं इसमें अपने आप को मैं गलती मानता हूँ। इस तरीके का अगर माहौल और सरपंच को ये पता नहीं हो जिसको कि तुम्हारे गांव के अंदर इतना बड़ा सीनियर नेता आ रहा है, उसको इतनी फुर्सत नहीं हो, धिक्कार है ऐसे आदमी के लिए। मैं मन से कह रहा हूँ इस चीज को, ये बड़े दुख की बात नहीं करना था। 36 बार मत करो, मैं 1 घंटे के अंदर इसी गांव के अंदर 1000 आदमी इकट्ठा करके दिखा सकता हूँ। तो इस तरीके का माहौल बना करके अगर नाराजगी भी है किसी को तो नाराजगी के लिए मतलब कह सकता नहीं, मैं आज कह कर नहीं मानूंगा इसको। ग्रामीणों के गुस्से को देखकर विधायक ने माफी मांगी और गांव के सरपंच साथ ही हरियाणा लोक सेवा आयोग के पूर्व सदस्य डॉक्टर हरेंद्र पाल राणा ने ग्रामीणों को समझा बुझा करके मामले को शांत किया। उसके बाद केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने आनन फानन में अपना भाषण दिया और चुप निकल गए। इतना ही नहीं, ग्रामीणों के गुस्से के बाद विधायक टेकचंद शर्मा इतने परेशान हो गई कि लोगों से भाजपा प्रत्याशी के लिए वोट मांगने के समय हाथी का बटन दबाकर वोट मांगने की अपील ही कर डाली। हालांकि बाद में उन्होंने ग्रामीणों से माफी मांगते हुए कमल का बटन दबाने की अपील की। तो इसलिए आप 12 तारीख को एक एक वोट आप हाथी के सॉरी हाथी की वोट बहुत मांगी, मैं इसलिए ये गलती से निकल गया, मैं क्षमा भी चाहता हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है। और पिछले 4.5 साल से मैंने जो विकास कार्य किए हैं भाई कृष्ण पाल जी के आशीर्वाद से किए हैं, सभी लोगों के मेहनत से, भाई मनोहर लाल जी के आशीर्वाद से किए हैं। मैं तो आपसे अनुरोध इतना ही करना चाहता हूँ, एक एक वोट 12 तारीख को कमल के फूल पर लगा करके भाई कृष्ण पाल जी को इस कर्जे को जो कमी बीसी रहेंगी उसे उतार देना। हुआ यूं कि केंद्रीय राज्य मंत्री को गांव बघोला में चुनाव प्रचार के लिए आना था। कार्यक्रम की जिम्मेदारी गांव के सरपंच को दी गई थी। कार्यक्रम स्थल पर जब केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, विधायक टेकचंद शर्मा और अन्य भाजपा नेता पहुंचे तो वहां लोगों की भीड़ काफी कम थी, जिसको देख करके विधायक टेकचंद शर्मा ने माइक हाथ में ले लिया और सरपंच को कम लोगों की भीड़ जुटाने पर बुरा भला कहना शुरू कर दिया। विधायक ने सरपंच से कहा कि यह बड़े ही धिक्कार की बात है कि इतने बड़े देश के मंत्री गांव में आ रहे हैं और लोग तक नहीं हैं। विधायक के इतना बोलते ही वहां मौजूद ग्रामीण भड़क गए और विधायक साथ ही केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर को सुनाना शुरू कर दिया। ग्रामीणों का कहना था कि 5 साल गांव के लोगों की याद नहीं आई, अब यहां आकर बुरा भला बोल रहे हैं। लोग पूरी तरह से भड़क गए। लोगों के गुस्से को देखकर विधायक ने उनसे माफी मांगी। जब जाकर के मामला शांत हुआ, उसके बाद मंत्री ने जल्दी से अपना भाषण समाप्त किया और वहां से चलते बने। इस बारे में विधायक टेकचंद शर्मा का कहना है कि वे उनके समर्थक हैं और उन्हें सुनाने का पूरा अधिकार है। वे भी 5 साल से उनकी सुन रहे हैं, तो क्या वे अपने परिवार के लोगों को सुना नहीं सकते? 24 घंटा महीना में मेरा ऐसा कोई दिन नहीं होता जिसमें कि महीने में 4 चक्कर 2-3 चक्कर ना लगते। इतनी जल्दी तो तुम नाराज हो जाते हो, इतनी जल्दी मेरे को जाकर के जितना सुना करके आते हो, मैं भी तो क्या नहीं सुनता हूँ। वहीं सरपंच रवि दत्त ने कैमरे के सामने कुछ भी ना बोलकर दबी जुबां में कहा कि कार्यक्रम का समय सुबह 10:30 बजे का दिया गया था, लेकिन मंत्री जी जल्दी आ गए।
आने से पहले कोई सूचना भी नहीं दी गई, इस कारण भीड़ कम थी। अब मामला बाद में विधायक के माफी मांगने के बाद शांत है। कोई मिले मैं तो कहती हमारा तो पुल भी कैंसिल करवा दियो। आप 5 साल में चढ़े हो इस चौपाल पे, पहले भी हमने आपसे वादा करके वोटर दी थी। बाकी ये समझते हो बघोला अकेले ब्राह्मणों को काम है, बघोला की विरासत बहुत दूर तक है ब्राह्मणों की। जहाँ कह देंगे वोट वहाँ डलेंगे, लेकिन वोट फिर भी मोदी को ही जाएंगे। किस तरह के विकास कार्य मंत्री जी ने यहाँ करवाए? कैसा भी नहीं कराया, एक भी ना करा किसी एक गली के लिए भी एक दो ईंट नहीं दी। जब आयो ही ना तो विकास कहाँ? हाँ विकास कहाँ थे, आयो ही ना तो ठीक है। हमारी हर गांव की फिरनी, हर गांव की फिरनी बन चुकी है। बघोला गांव की फिरनी आज तक नहीं बनी है। आज 5 साल में पहली दफा कृष्ण पाल गुजर आए थे, 5 साल में पहली दफा बघोला, और आज तक ये बघोला की ओर इसने जो नहीं देखा बघोला कहाँ है। रोड पे से निकल के जाता है, क्या बघोला इसके दुखाई नहीं देता? आज क्यों आया है बघोला में? दूसरी बात, कृष्ण पाल गुजर को कोई वोट नहीं दे रहा। कृष्ण पाल गुजर अपने बेहब पे यदि वोट मांग रहा हो तो कोई वोट नहीं दे रहा, सिर्फ मोदी वोट मिल रही है। और दूसरी बात, राष्ट्र के हित में वोट मिल रही है बघोला से। बघोला ग्राम का ब्राह्मण समाज में अस्तित्व में 5 पैसा का दागी नहीं है इसका बघोला गांव। कृष्ण पाल गुजर का आज तक 5 पैसा का दागी नहीं है बघोला गांव। तो गांव बघोला के जितने भी ग्राम में ना, वो मोदी के नाम से ही मोदी के नाम से वोट मिल रही है, मोदी के नाम से। इतना ही नहीं, ग्रामीणों के गुस्से के बाद विधायक टेकचंद शर्मा इतने परेशान हो गए कि लोगों से भाजपा प्रत्याशी के लिए वोट मांगने के समय हाथी का बटन दबाकर वोट डालने की अपील ही कर डाली। हालांकि बाद में उन्होंने ग्रामीणों से माफी मांगते हुए कमल का बटन दबाने की अपील की। आप 12 तारीख को एक एक वोट आप हाथी के सॉरी आप 12 तारीख को एक एक वोट आप हाथी के सॉरी मतलब बुरा नहीं यार, चौपाल पर मैंने हाथी की वोट बहुत मांगी, मैं इसलिए ये गलती से निकल गया। मैं क्षमा भी चाहता हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है। और पिछले 4.5 साल से मैंने जो विकास कार्य किए हैं भाई कृष्ण पाल जी के आशीर्वाद से किए हैं, सभी लोगों के मेहनत से, भाई मनोहर लाल जी के आशीर्वाद से किए हैं। मैं तो आपसे अनुरोध इतना ही करना चाहता हूँ, एक एक वोट 12 तारीख को कमल के फूल पर लगा करके भाई कृष्ण पाल जी को इस कर्जे को जो कमी बीसी रहेंगी उसे उतार देना।